अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बड़े अरसे के बाद हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम दवा दवा हैं लाहौर फोर्ट की तरफ अपने बाशिंदों के साथ। अभी मेरे साथ कौन है? हनान है मेरे साथ और अभी शाफी भी आएगा, उसको पिक करते हैं और फिर सफर जो है ना हमारा आगे स्टार्ट है। कैमरे में देख के हाथ ही ला दो। रास्ता हम भूल गए थे, ऊपर से घूम के आ रहे हैं। हम ऐसे किसी को मैप नहीं देख रहा था, मैप चल देखा कैसे है यार। मैप ही लेट अपडेट हो तो हम क्या कर सकते हैं यार। ये को यार वो इधर इस तरह चलते हैं। तुम अमेरिका से आए हो, वो पाकिस्तान के? नहीं, मैं पाकिस्तान में पैदा बड़ा हूँ। ये क्यों लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे? क्या मतलब क्या लोग रोड है? देखो रेड लाइट है, लोग जा रहे हैं, हमारा रूल है। हमारे ग्रीन पे स्टॉप है, सही कह रहे हैं। चलिए सीधे किधर से जाना? कितने किलोमीटर? 300 मीटर। उन्होंने कहा अभी है, मैंने कहा है राइट पे आएगा। नहीं, वो सामने बस आ गई ना, बस आई मुझको आ गई यार। कुछ नजर भी कुछ नहीं आया, कितना प्यारा बनाया इन्होंने, लेकिन क्या फायदा, क्या शॉट है। मुझे माहिर पाकिस्तान यार। और अभी तक ट्रिप अच्छी जा रही है, एक दो बार रस्ते भूले हैं बस। और शाफी की वजह से और यार नाश्ता करने के लिए मैं सुबह का उठा हूँ 7 बजे का। इन दोनों से हमने नाश्ता नहीं किया कि हमने अंदरून लाहौर जाकर नाश्ता किया। और मैं सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक इनका वेट कर रहा था कि ये आएंगे। शाफी को शाफी भूल गए। देखिए एकदम कहाँ निकलते हैं, कहाँ पार्किंग मिल जाएगी ना। कबूल है, कबूल है। आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम तो पार्किंग के लिए आए थे। मेरी अंकल जी हमारी पार्किंग लगवाने लगे हैं, पता नहीं कहाँ पे। पहली बार इन गलियों में हम आ रहे हैं। कह रहा हाँ ये अपनी है। ओए नाइस, लगा दो यहाँ। ये मुझे ओए वो कुत्ता क्या कर रहा है वहाँ पे? बस कुत्ता छोड़, यहाँ पे लगा दो। मेरा यार मेन पे ना लगा दे, अजीब सी जगह। मैं सोचा मेन पे लगा। हाँ मेन पे लगा। क्या करता है? ज्यादा चीजें निकाल रहे हो। अंकल की मैंने वीडियो तो बना ली बस। शाफी कैसा लग रहा है आपको? हाँ यार, एक तो गाड़ी बड़ी स्ट्रेंज जगह पे खरीद लिया, उसके बाद अब फज्जे में खाने आए पाए हम और बैठने की जगह नहीं मिली। अब वो अंकल हमें पार्क में बैठाए। शाफी तुम लस्सी नहीं पीते? यार नहीं यार। शाफी तुम आके नहीं पीते? नहीं यार, एक खा तो लो पहले। स्टोर पर पाए लगा साथ। क्या किधर क्या किधर है पाए नजर आ रहे हैं, मतलब मिक किधर है? मिक समझ रहे? मिक मैं समझता हूँ, मिक मिक वो नली के अंदर होती है, ये पाए यहाँ से तोड़ा। ये शाफी को हम सिखा रहे हैं पाए किस तरह करते हैं। शाफी नान तोड़ा। अच्छा आप हाथ, फिर अपने दोस्त का हाथ साइड पे करवाए, फिर आपने पाया ढूंढने।
अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपको साथ पीछे लगा हुआ मिल गया तो उसको तोड़ना है। अभी अभी मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मुझे नहीं मिल रहा, वो आपने तोड़ना है साथ इसके शोरबा लगाने और फिर आपने खाने। अब चाबे खा के दिखाओ। हाँ चल फुल हो गया यार। तुम क्या अभी अभी तुम क्या फजे के पाए, इतनी हाइप थी उसकी हमने। How was the tea? The expected answer was के the tea is fantastic. अबे दोबारा पूछो। How's the tea? The tea is fantastic. क्या बता रहे? कोई साइंस है? कोई कुछ था जो मैंने स्ट्रेंथ के लिए किया होगा। क्या हुआ बताओ, किधर आ गई? हॉट फूड शाफिर ये भाई का हाथ पकड़ लो, घूमना हो जाओ। हनान तो ये पता है कि स्टेयर के इतने चोरे क्यों? हाँ ये तुम्हें मैंने भी बताया। सेवन हॉर्बिट किसने बनाया था? यार भी मैं गूगल करके बताता हूँ। गूगल से बनाया था क्या ना? Who built Lahore Fort? अकबर द ग्रेट 1598। नहीं तो ये तभी आया। चल बताते हैं हम कब आए थे। लास्ट टाइम हम लाहौर फोर्ट आए थे जब हम स्कूल में थे और इकट्ठे आए थे। ये कब की बात है ना? हो गया 10 साल। बस 10 साल हुए अभी इस बात को और हाँ और इतने सालों के बाद अब हम यहाँ पे दोबारा आए हैं। और कुछ चेंजिंग महसूस हुई है यार? कुछ चेंजिंग हुई है? क्या बंदे जैसे इस एरिया की समझ तो नहीं है, एक अलग से ब्लॉक बना हुआ है। लेकिन हनान की अजम्पशन है कि किस चीज़ के लिए ये एरिया? टी टाइम। किस टाइम के? टी टाइम के लिए। फाउंटेन भी है। ठीक है, मुगलिया फैमिली यहाँ पे बैठ के चाय पीती थी और इधर इधर से फाउंटेन एंजॉय करती थी। ऐसा ही कुछ हो। शीश महल वो है जहाँ हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं इधर ही लाहौर फोर्ट के अंदर। समझ नहीं आ रही कहाँ पे जा रहे हैं। आप नेविगेशन लगाएंगे? किस तरफ एक दरवाजा टूटा हुआ मिला हमें। इन्वेस्टिगेटर जा रहा है पता करने। ओए इस साइड वाला ये तो जुड़ा हुआ है। ओए टक मैं तोड़ा नहीं, मैं कह रहा गलत बात है अपनी। वैसे कील निकले हुए हैं, तोड़ने की जरूरत भी नहीं। हाथ से खिंच जाएगा। आ इधर आओ चेक। ये जी मुगलों की चारपाई है। इसका भी शर्म बख्श लें आप। और क्या है? मुगल इंग्लिश भी समझते थे। देखो उन्होंने क्या कोड लिखा हुआ है, सो हैप्पी लव बी पॉजिटिव स्टे हैप्पी। ये जी दिस इज द मैसेज। नहीं नहीं यार, वी आर अज्यूमिंग कि ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह बैठता था और नीचे लोगों के मसले हल करता था। ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, क्यों ना। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई कि अगर ऊपर बादशाह बैठता था तो नीचे ये सुरंग क्यों बनाई हुई है? जब दिल करे ऊपर से छलांग लगा दो। मोनोक्रोमेटिक लाइट वाई सोडियम फ्लेम जनरली डेस्ट। सीधा
पहले गेट हमने क्रॉस कर लिया और अब हम जा रहे हैं वजीर खान मॉस्क की तरफ, क्योंकि जोर की नमाज नहीं पड़ी, वो पढ़नी है, और बाकी की टूर गाइड जो है वो हनान। यार ये मैं भी बाइट जूते रखवा के आया हूँ, ये देखें लोग तो मस्जिद के अंदर भी लाए हैं। बड़ी कीमती जैकेट है, बड़े बड़े चीज़ें पड़ी है ना, पकड़ पकड़ ही। यार ये आपको एक डिज़ाइन फ्लो दिखाते हैं। ये सीट देखे किधर है और ये टूटियाँ किधर है? एक मिल गई, एक मिल गई। इसको दिखाते हैं साबुन, हाथ धोने वाली साबुन कितनी मात्रा है, बिल्कुल न्यू भी नहीं लग रही है। ये बंदा कहीं किसी तसल्ली से बैठे हैं, पता है टूटी किधर है, उसको कैसे करेगा टूटी किधर है, साइडों से एक बात याद रहे हैं। ये सी ज्यादा ये सब हैरान, ये फ्लोर नहीं ये डिजाइन है के दो शाफी शाफी के मुताबिक ये फ्लोर नहीं डिजाइन है। एक पांव यहां से दो, एक पांव वहां से दो, खड़ी हो जाती है ना, तुझे जल्दी जल्दी वजू करना होगा, मुझे नाराज हो शाफी, शाफी इधर देखो नाराज हो तुम, सुनाओ ठीक ठाक? बस जब मैं वजीर खान मस्जिद पहले भी आया हुआ हूँ, शाफी भी पहले आया हुआ, शाफी तुम्हें दोबारा कैसे लगी? वैसे वैसे ही है, ये छः महीने पहले भी कंस्ट्रक्ट कर रहे, ठीक कर रहे थे, अभी तक आई कोई बंदा नजर नहीं आता खड़ा हुआ है, चेक तो कर। जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था कि अगर एक साइड से आदमी और दूसरी साइड से औरत है तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। यहाँ पे का निकाह तो नहीं करा लिया, ये सही तंग है आगे। उनसे पैसे लेंगे उनको खाने के लिए रहने के लिए, उनके हालत बेहतर की है कुछ भी नहीं, ये अपने पेट भर रहे। ओल्ड लाहौर का जो टूर है दैट हैज बीन ऑफिशियली एंडेड फॉर टुडे, और कैसा रहा टूर है ना? आई एम सेड शाफी हाउ इज इट? यार बहुत ठीक था, इट वाज गुड ओवरऑल, बस मतलब ठीक था, बहुत मजा भी नहीं आया और बहुत बोरिंग भी नहीं था। और हनान को चिप्स भरे कोई मजे के मिल गए, गाड़ी तक ले आया। भाई मैं बात सुनो, क्या जो मजा स्ट्रीट के चिप्स खाने का कितने सालों बाद खा रहे हैं, हां ये टेस्ट ये ऑयल, हां हां कभी-कभी तो बीमार हो जाना चाहिए, वैसे तो हो जाना चाहिए, बाबे से बात है मर दें क्या बात। So that was all for Hey, so that was all for this vlog. Catch you guys in the next one. Till then, I love this. Karte tamiz ke sab. Shafi.